स्वागत है आपका एक फ्रेश एपिसोड में। आप सभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आजकल एक ट्रेंडिंग न्यूज देख रहे होंगे कि भारतीय बिजली खदानों में जो एडवांस कोयले की स्टॉक है वो या तो खत्म हो गई है या कई खदानों में खत्म होने के कगार पे है। तो आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि किस खदान में कोयले खत्म हो गए हैं या किस में अभी भी बची हुई है। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में कैसे बिजली उत्पन्न होती है और वो हमारे घर तक कैसे पहुंचाई जाती है, इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आपको हम बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोयले से बिजली का उत्पादन होता है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में। सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आता है बॉयलर का। अब कोई बॉयलर कोई आधुनिक मशीन नहीं है, ये आप मान सकते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन है। जैसे आप अपने घर में कुकर या पतीले का इस्तेमाल करते हैं पानी को उबालने के लिए, वैसे ही पावर प्लांट्स में बॉयलर का इस्तेमाल की जाती है पानी को गर्म करने के लिए और उसे भाप बनाने के लिए। दूसरा जो स्टेज आती है वो होती है जलावन। जैसे हम घर में गैस चूल्हा यूज करते हैं तो वो एक जलावन की तरह यूज करते हैं हम अपने घर में, वैसे ही कोयले को यहाँ पे जलावन के तौर पे यूज की जाती है पानी को गर्म करने के लिए बॉयलर में, ताकि वो भाप बना सके और भाप से एनर्जी उत्पन्न हो सके। आपको बता दे किसी भी पावर प्लांट में 50% एरिया जो होता है वो कोल यार्ड ही ले लेता है, यानी कि कोल यार्ड डिपार्टमेंट ही 50% एरिया को मैनेज करता है, क्योंकि कोल को स्टोर किया जाता है पावर प्लांट्स में इतना कि वो 40 दिन के लिए स्टॉक में रह सके, और इसीलिए 50% जो एरिया है वो कोल यार्ड में तब्दील कर दी जाती है। अब आपको बता दें कोल जब खदानों से माइनिंग होके आती है ट्रेन के माध्यम से कोल यार्ड में, तो ऐसे ही उसको जलाने के लिए यूज नहीं की जाती है। जैसा कि आपको पता है कोल का कोई आकार नहीं होता है, इसलिए उसे एक बारीक आकार देने के लिए क्रशर मशीन में डाली जाती है। अब ये क्रशर मशीन क्या करती है, जैसा कि हमने कहा कि कोयले का कोई आकार नहीं होता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़े में बनाने के लिए क्रशर मशीन में डाला जाता है, उसके बाद पोलराइजर में डाला जाता है। अब पोलराइजर क्या करती है तो आपको बता दें छोटे छोटे टुकड़े जो कोयले की बनी है उसे पोलराइजर में पीसा जाता है, यानी कि पाउडर का रूप दी जाती है। अब ये पाउडर मैं आपको बता दूं इतनी बारीक होती है, जैसे हम जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं अपने गालों पे लगाने के लिए घरों में, उसी तरह की बारीक पाउडर में इसे तब्दील की जाती है और उसके बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो तीसरा स्टेज होती है वो होती है कूलिंग टावर की। तो आपको बता दे जब भाप उत्पन्न होती है तो इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे कई तरह के खतरे हो सकते हैं। तो इसलिए पावर प्लांट में ठंडा बनाए रखने के लिए कूलिंग टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया से जो पावर प्लांट है वो ठंडा भी रहता है और इसमें ताजा ठंडे पानी भी सप्लाई किया जाता है, और इससे उसमें जल फ्रेश ठंडा होकर इस्तेमाल में आ सकती है। उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है टरबाइन की। तो टरबाइन क्या होती है, अब बॉयलर में जो बनी भाप है उसे टरबाइन के ब्लेड्स पर छोड़ा जाता है और उसके बाद स्टीम प्रेशर से टरबाइन ब्लेड घूमने लगता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसके बाद हम आपको बता दें जो स्टेज आती है उसमें जो पांचवी स्टेज आती है उसमें जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ये टरबाइन घूम रही है उसके अंतिम छोर पर जनरेटर लगाया जाती है, जो कि टरबाइन के ब्लेड द्वारा घूमने से मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन करती है। उसके बाद आपको बता दे अब ये जनरेटर द्वारा बनाई बिजली को ट्रांसमिशन लाइन्स द्वारा आगे जो कंपनियां हैं जो सप्लायर कंपनियां हैं उनको भेज दिया जाता है और वहां से हमारे घर में बल्ब जलते हैं। एक और बात आपको बता दे जब कोयले का इस्तेमाल किया जाता है तो जो कोयले के मोटे कण होते हैं वो बॉयलर के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और कोयले की गंदगी भी नीचे जाके बैठ जाती है, साथ ही जो महीन कण होते हैं वो फ्लाइंग एश के तरह ऊपर उड़ जाते हैं। अब फ्लाइंग एश क्या होती है तो हम आपको बता दें ये धुआं है जो कि ऊपर उड़ जाती है।
और जैसा कि हमने कहा था कि पानी की इस्तेमाल की जाती है, तो पानी से क्या होता है कि बॉटम एस होता है वो नीचे बैठ जाती है और जो फ्लाइंग एस होता है वो ऊपर उड़ जाती है। उसके बाद आपको बता दे, जो राख नीचे जाती है उसे एक कंपन करती हुई जाली के द्वारा चाल लिया जाता है, यानी कि शेक कर लिया जाता है, और ये जो राख स्टोर की जाती है इसे सीमेंट कंपनियां को दे दी जाती है, जिससे कि सीमेंट का उत्पादन होता है और जिसे ये एक नाम देते हैं फ्लाइंग एस सीमेंट। तो ये भी वेस्ट नहीं होती है। और उसके बाद आपको बता दे, जो फ्लाई एस ऊपर उड़ती है उसे डायरेक्टली हवा में नहीं छोड़ी जाती है। अगर उसे डायरेक्टली हवा में छोड़ी जाएगी तो उसमें बहुत प्रदूषित कण होते हैं जो कि इंसानी फेफड़े को नुकसान कर सकती है, इंसानी जीवन को नुकसान कर सकती है। इसीलिए चिमनी से निकलने से पहले उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से धोकर गुजरना पड़ता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करती है, तो जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसे ये साइड कर देते हैं और बाकी फ्रेश एयर को रिलीज करते हैं चिमनी से। हालांकि वो फ्रेश नहीं होती है पूरी तरह, लेकिन कम से कम नुकसानदायक नहीं होती है इंसानी जीवन को, ऐसी गैस ये चिमनी से निकालते हैं। तो ये कुछ सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करें हैं कि कोयले से कैसे बिजली का उत्पादन होती है। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है बाकी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुली हुई है, आप यहाँ पे आके अपने सवालों को रख सकते हो। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, मोटिवेशन होता है उससे। धन्यवाद।